देखने वालों को अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों साथियों, इस वीडियो में मकान नंबरीकरण ये आप देख रहे हैं, मकान नंबरीकरण एवं संक्षिप्त मकान सूची की तैयारी, इस पे जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कि बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ये गन्ना क्षेत्र का निर्धारण जो है वो पूर्ण हो चुका है, गवर्नमेंट के माध्यम से गन्ना क्षेत्र का जो है निर्धारण हो चुका है। इन क्षेत्र हो तो इस पे जो है 700 आबादी या फिर जो है 150 से 160 घर पे आपको एक ब्लॉक बनाया गया है। नामकरण कैसे करेंगे, आप जो है उत्तर और पश्चिम से शुरू करेंगे, दक्षिण और पूर्व में समाप्त करेंगे। ये जो आरंभ होगा वो रोड हो जाएगा, रेलवे लाइन हो जाएगा, या फिर कोई जो है मार्ग होगा या नदी होगा, वो आपका एक जो है निशान होगा, वहां से आप उसको शुरू करेंगे। नामकरण का ये तरीका है कि आप जो है उत्तर और पश्चिम से शुरू करें और एक लाइन से पूरे घर में दे दें, जहां पे इंड होगा फिर वहां से जो है आप शुरू करें, फिर उसको लेके जो है आप आए आगे और फिर वहां से आगे लेके फिर जाएं पीछे, यानी पहले उत्तर और पश्चिम से लेके जाएंगे और इसको लेके चले जाएंगे आप कहां, दक्षिण और पूर्व, और फिर दक्षिण और पूर्व में दूसरे रो से शुरू करेंगे, फिर वहां से उसको ले आएंगे आप उत्तर और पश्चिम। इसी प्रकार से शुरू करना है आपको उत्तर पश्चिम दिशा से और अंत करना है आपको दक्षिण पूर्व दिशा में। अब देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए भवन एक है लेकिन उस भवन में दो मकान है, उस भवन में दो मकान है तो भवन एक हो जाएगा, मकान दो हो जाएगा, और फिर मकानों की नंबर जो है आपको एक देना होगा और फिर मकानों की नंबर जो है वो दो देना होगा। फिर उसी तरह से जो है भवन दूसरे भवन में आप चलेंगे, दो भवन है, इसमें मकानों की संख्या जो है आपको तीन है, तो आपको गन्ना मकानों की संख्या देनी है आपको कितना, तीन, चार, और ये हो जाएगा आपको पांच। भवन का नंबर जो है हो जाएगा तीसरे भवन हो गया, उसमें दो गन्ना मकान हो गया, और फिर उसमें जो है गन्ना मकानों के नंबर हो जाएगा 6 और 7। ये देखिए ये सीरियली शुरू होगा आपको 001 से और ये सीधा चला जाएगा जहां तक के आपका रहेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप आपके यहाँ जो है 155 मकान है तो ये चला जाएगा 155 तक, लेकिन भवन नंबर जो है वो आपको रहेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा आगे वैसे वैसे, जैसे यहाँ भवन नंबर 2 है लेकिन गन्ना मकान का संख्या 003 हो गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे भवन और मकान और गन्ना मकान के संख्या का जो है नंबरीकरण कर लेंगे। अब आइए उसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें जो है कैसे, जैसे उदाहरण के स्वरूप ये एक आपका जो है भवन है और इसमें मकान भी एक ही है, गन्ना मकान एक हो जाएगा। फिर उस तरह से अगर कहीं पे ये देखिए, ये जो है भवन आपको क्या कहते हैं एक है, लेकिन जो है गन्ना मकान इसमें कितना है, 2 है। भवन एक है, गन्ना मकान क्या है इसमें, 2 है, तो ये पड़ जाएगा आपको देखिए 001 002, ये जो है आपको 2 क्या हो गया, भवन हो गया। फिर इसी पर ये देख लीजिए यहाँ पे हो गया आपको क्या, भवन हो गया, ये भवन 1, भवन 2, भवन 3, भवन 4, भवन 5, भवन 6, यानी भवन हो गया आपको कितना, 6, और भवन 1 में गन्ना मकान 1 हो गया, भवन 2 में गन्ना मकान 2 हो गया, फिर जो है भवन 3 में ये आपको जो है इसको देंगे गन्ना मकान 3, भवन 4 में गन्ना मकान देंगे 4, भवन 5 में 2 गन्ना मकान है, तो गन्ना मकान 1 हो गया 5, 1 गन्ना मकान हो गया 6, लेकिन भवन जो है वो 5 ही है, यानी 5वें नंबर का भवन है। और फिर इसी तरह से जो है छठे भवन में, यानी छठे नंबर वाले भवन में आपको कितना हो गया, ये गन्ना मकान हो गया 7, गन्ना मकान हो गया 8, और गन्ना मकान हो गया 9। तो ये जो है आपको इसमें हो गया। और जैसे बहुमंजिला इमारत है, इसमें एक भवन है और 8 गन्ना मकान है, भवन कितना है 1 है, भवन है 1 और गन्ना मकान कितना हो गया 8, यानी एक भवन में 8 गन्ना मकान हो जाएगा ये। और फिर इसके बाद जो है आपको
इसको देख लीजिए, जैसे भवन एक ही है लेकिन गन्ना मकान हो गया तीन चार, ये हो गया आपको तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पांच, ये हो गया छह, ये हो गया आपको सात, और इस प्रकार से ये हो गया आठ। तो आपका भवन जो है वो एक होगा लेकिन गन्ना मकान इसमें आठ हो जाएगा। जाएंगे उदाहरण के लिए, भवन नंबर दस हो गया ये बट्टा एक, और फिर इसमें गन्ना मकान की संख्या दो है, मकान नंबर अब 154 हो जाएगा, 155 हो जाएगा, यानी जहां पे हमने लास्ट किया है उसके बाद जो है मकान नंबर हो जाएगा और ये मकान नंबर होगा। गन्ना मकान की संख्या इसमें दो हो जाएगा और ये भवन नंबर 10 बट्टा एक हो जाएगा। ये माना जाएगा कि ये जो है छूटा हुआ जो था वो आ गया बीच में। फिर इस तरह से जो है जब ये आप कर लेंगे तो अब देखिए भवन संख्या भवन के मुख द्वार के बगल में 6 इंच लंबा 6 इंच चौड़ा बक्स में लाल मार्कर से लिखा जाएगा। इसमें 102 भवन में तीन गन्ना मकान है, वो आपको 003 है, 004 है और 005 है। तो इस तरह से जो है आपको इसमें तीन है। फिर उसके बाद कह रहा है मकान संख्या गन्ना मकान के मुख द्वार के बगल में 6 इंच लंबा 6 इंच चौड़े बॉक्स में लाल मार्कर से लिखना है। क्या लिखेंगे? गन 003, गन 004, गन 005। ये आपको जो है उसके मुख द्वार के बगल में जो है वो लिखा जाना है। नंबरीकरण का तो आप समझ गए होंगे, मकान नंबरीकरण जो है वो कैसे किया जाना है इस तरह से। इसमें एक चीज और ये ध्यान रखना है आपको कि किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। इससे पहले आप उसको जो है रफ कर लेंगे, आप अपना सारा मार्किंग कर लेंगे, उस परगणक जो आपका जो है जो क्षेत्र दिया गया है उसको अच्छे से देख लेंगे। तो उम्मीद है आप सब लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आप सब लोग देखें। इसके लिए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।